मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्ता के लिए चल रहे सियासी ड्रामे के बीच अब आरोप और प्रत्यारोपों के तीर चलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ विधायकों के लापता होने और बाद में विधायकों के मिलने की खबरें खत्म हो चुकी हैं। अब नेता विधायकों के बंधक बनाए जाने पर आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जिन विधायकों के बंधक बनाए जाने की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर बंधक बनाने के आरोप लगाए थे, अब वही विधायक कांग्रेस सरकार के उन मंत्रियों से नाराज हैं जिन्होंने बंधक बनाए जाने के आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने कहा कि बंधक बनाने की बात झूठी है, उन्हें कोई बंधक नहीं बना सकता। क्योंकि जो पेपर पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है हम उसको वहाँ से निकाल के लाए हैं, कोई कह रहा है हम वहाँ बंधक बनाया गया था, लेकिन ये कोई नहीं बताया कि कहाँ बंधक किसको बनाया गया था। तो हम इसे इसको निकालें, जैसे बताए तो कोई मंत्री बताए, कोई सरकार का आदमी बताए कि हम राजेश शुक्ला को कहीं से निकाल के लाएँ, तो हम उससे बात करें आमने सामने। और हम लोग बुंदेलखंड से आए लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं क्षेत्र के लोग, लेकिन मेहनती और ताकतवर इतने हैं कि हमें कोई बंधक बनाने की औकात नहीं है और ना किसी में ये औकात है कि जहां हम बंधक हो जाएंगे वहां से निकाल लाए। हम खुद अपने आप में सक्षम है, ईश्वर की कृपा से शरीर भी लंबे चौड़े खूब दिए हैं, अपने आप में लड़ाई लड़ सकते हैं और जहां जाना होगा वहां कोई हमें रोक नहीं सकता और जहां नहीं जाना वहां कोई रोक नहीं सकता। तो क्या आप अभी मतलब कमलनाथ जी के साथ? बिल्कुल निष्ठा के साथ कमलनाथ जी के साथ पहले दिन से हैं और कमलनाथ जी के साथ आज भी है। कल उनसे भी बोल के आए हैं कि आप किसी का एहसान इसमें मत मानना, हम लोग आपने कहा है कि आपके नेतृत्व में आपके साथ ना कि कांग्रेस सरकार के साथ। इस मामले में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और दिल्ली से विधायकों को वापस भोपाल लेकर आए जीतू पटवारी अब भी अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने विधायकों को बंदी बनाकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने वाले आरोप एक बार फिर दोहराए और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बर्थडे है, मैं उनको बधाई देता हूँ, भगवान उनको दीर्घ आयु दे। प्रार्थना करता हूँ कि मध्य प्रदेश उनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे प्रदेश की जनता ने, हम सब ने उनको चुना, उन पर भरोसा किया, हमने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी में। मेरी प्रार्थना है उनसे कि एक बार उन्होंने व्यापम का महाकांड करके मध्य प्रदेश का पूरी दुनिया में मुँह काला किया। प्रार्थना है उनसे कि किसानों की गोलियों से हत्या मध्य प्रदेश में जो की उनने, उस बार उन्होंने मुंह काला किया और अब लोकतंत्र की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी वो बने और मध्य प्रदेश का मुंह काला किया। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि आप ऐसे तो न थे। इंसान के अंदर राम भी होता है और इंसान के अंदर ही रावण भी आता है, तो उनमें राम की प्रवृत्ति ज़्यादा आए और रावण का अंत हो उनके अंतर मन में, इसकी मैं प्रार्थना उनके जन्मदिन के अवसर पर करता हूँ। जहाँ तक बीजेपी का और इस पूरे घटनाक्रम का सवाल है, जहाँ बीजेपी की सोच समाप्त होती है वहाँ से कमलनाथ की सोच चालू होती है। हमारे विधायकों को प्रलोभन इनके मिल रहे थे, कमलनाथ जी के संज्ञान में ये सारी बातें विधायक बता रहे थे। हमने विधायकों के साथ मिलके पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया, चेहरा इनका बेनकाब किया। एक एक विधायक कमलनाथ के संपर्क में थे और सब विधायकों ने इनका असली चेहरा, षड्यंत्रकारी चेहरा, ब्लैक मनी समाप्त हुई, 65 करोड़, 50 करोड़, 35 करोड़ के ऑफर, ये कहाँ से आया पैसा? और ये लोग ऑडियो और वीडियो इनके सारे हमारे पास रखे हैं, हर विधायक ने अवेलेबल कराया जिनसे इनकी बातें हुई और वो कौन कौन ने कहाँ कहाँ जाके बातें कराई, बहुत सब एविडेंस है। सही समय पे कमलनाथ जी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी या बड़े सीनियर नेता इसमें संज्ञान में लेंगे। कोई विधायक को कोई लेने में न मैं गया न कोई मेरे साथ आए, सारे विधायक अपने मन से आए, अपने मन से गए थे और पूरी पार्टी के संपर्क में थे। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा भारतीय जनता पार्टी का सोच, एक तरफ समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में दिन रात लगे हैं कमलनाथ और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के काला मुंह करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की हत्या में लगी है।
ये सब बातें, सब घटनाक्रम प्रदेश की जनता देख रही है, आने वाले दो चुनाव में फिर इनको सबक सिखाएगी। इस मामले में मंत्री गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के नेता लगातार षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती, ना हमारे नेता चाहते, ना मैं स्वयं चाहता हूँ। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि भाई इनकी समस्या है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किसी भी दल के हों, चाहे भाजपा के हों, बहुजन के हों, समाजवादी हों, निर्दलीय हों, जनता ने चुना है तो उनका सम्मान जनता का करना सरकार का दायित्व है। इसलिए सबके सार्वजनिक काम है, जनता के हित के कार्य, उनको हमें और सरकार को सभी को करना चाहिए। लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति, जो गलत राजनीति है, वो कांग्रेस पार्टी को नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार का होता तो जो दो विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था उनको भी अभी तक शामिल नहीं किया है और उनसे कहा है कि आप अपने जिस दल में हो वहाँ पर पार्टी न छोड़ें। हो रही होगी, लेकिन हमसे उनकी बात नहीं हो पा रही, तो क्या माना जाए कि वो उनकी घर वापसी शाम तक हो जाएगी? एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी के विपरीत नहीं जाएगा। 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, उस समय आप देख लेना, जब मतदान का परिणाम आएगा तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को 121 मत मिलेंगे। दूसरी ओर बबलू शुक्ला ने कहा है कि मध्य प्रदेश के उन बाहरी विधायकों से सरकार को कोई खतरा नहीं है जो बाहर से सरकार को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के भीतर के लोग ही कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटे हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं सरकार स्थिर, हम लोग की तरफ से तो स्थिर है जी, तो स्थिरता अस्थिर हुई कांग्रेस के कारण। और आप जी देखोगे, हम पहले दिन से जितने लोग ने क्वेश्चन हमसे कहा कि जिस दिन भी खतरा का इस सरकार को होगा कांग्रेसियों से, हम लोग से नहीं। आज आप देखो मतलब कितना स्वार्थी आदमी है, हम सात लोगों में से एक आदमी को मान सम्मान दिया कमलनाथ जी, हम लोगों पे भरोसा उतना नहीं कर पाए जितना भरोसा आज मंत्री बनाया, थोड़ा सा समय गड़बड़ाया, स्टेटमेंट दे दिया, जिसकी सरकार होगी उसके साथ।